वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री गुरु तेग बहादुर जी के जन्म के 400 साल प्रकाश पुरब से अज मैं थोड़े सामने एक छोटा जिहा भाषण तैयार करके सुना जा रही हाँ। सिखां दे 6वें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद जी और माता नानकी जी के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र का नाँ त्यागमल रखा गया। वह वड्डा हो के तेग बहादुर नाँ तो प्रसिद्ध होया। गुरु तेग बहादुर जी ने जन्म तो कुछ साल बाद ही शस्त्र विद्या की जानकारी दी जान लग पई। वह केवल 13 साल के सन जब उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला युद्ध लड़ना पिया। वह अपनी पूरी तैयारी नाल मुगलों की फौज उत्ते धावा बोलन निकल पे। उन्होंने अचंभित करने वाली तलवारबाजी और बुलंद हौसले को देख के मुगलों की फौज जेड़े पैरी आई उसे पैरी दौड़ गई। युद्ध तो बाद भी उन्होंने अपनी शस्त्र विद्या की जानकारी की तैयारी जारी रखी। वह 6-7 साल के सन जब उन्होंने बाबा बुढ़ा जी को मुढ़ली विद्या प्राप्त करने भेजा गया। उन्होंने बाबा बुढ़ा जी को मुढ़ली सिक्ख्या बड़ी ही सुचजे ढंग प्राप्त की। इसी प्रकार सिक्ख्या प्राप्त करते हुए वह ब्याह योग हो गए, जिस कारण उन्होंने ब्याह माता गुजरी जी नाल होया। वह माता गुजरी जी नाल बहुत चंगा विहार करते सन। एक बार उन्होंने अपना घर बार छड़ के बकाले जाना पिया। बकाला उन्होंने नानका पिंड सी। उत्थे वह प्रभु भगति विच लीन रहिंदे सन। वह किसी नूं भी इस भगति का रहस्य नहीं दसदे सन। ब्याह तो कुछ समय उपरंत गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी पत्नी माता गुजरी जी नूं पटने जाने की आज्ञा दी। पटने विखे जाके माता गुजरी जी ने एक पुत्र नूं जन्म दिता, जिन्हों का नाँ गोबिंद राय रखा गया। 43 साल की उम्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी ने गुरगद्दी पर बिठाया गया। श्री गुरु तेग बहादुर जी को पटने विखे कश्मीरी पंडित अपना दुखड़ा सुनाउण आए। उस समय गुरु गोबिंद राय 9 साल के सन, गुरु जी के पास ही खड़े सन। जदों गुरु जी ने कहा कि इस समय किसी महान व्यक्ति की कुरबानी की जरूरत है, तो वह झट बोले, पिता जी तुहाडे तो महान तो इस जगते है ही कोई नहीं, तुसी ही जाओ इन्हां नाल। गोबिंद राय के मूहों यह शब्द सुन के श्री गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली विखे पंडितों नूं औरंगजेब के आतंक तो बचाने खातर चले गए। उत्थे जा के उन्हें अपनी कुरबानी दे दी। इस प्रकार 24 नवंबर 1675 ज्योति जोत समा गए और उन्होंने पुत्र श्री गुरु गोबिंद राय जी ने गुरगद्दी सौंपी गई। इंज श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी जिंदगी कुरबान करके हिंदू धर्म की रक्षा की। जेकर वह ऐदा ना करते तो अज बाकी धर्मों के नाल नाल हिंदू धर्म साडे समाज में बाकी धर्मों के नाल हिंदू धर्म उपलब्ध ना होंदा, हिंदू धर्म का खात्मा हो चुकिया होंदा। इस करके हिंदू धर्म को श्री गुरु तेग बहादुर जी का धन्यवादी होना चाहिए है। धन्यवाद।